hereby we have gathered again and this golden opportunity is delivered on digital platform during the pandemic covid-19 so hereby i warmly welcome you all in new phase and we will pursue the same chapter of history 18th century political formation transformation of social and economic changes 18th century marks the changes of political formation Decline of later Mughals Immersions of the scenario of regional rule Their positive and powerful administration and changing revenue system Endless army actions This marks the transformation Mughal provinces The kingdom which have ruled as an empire magnificently have broken down, carved out the three Mughal provinces in eighteenth century, and which emerged as the brilliant phase of Indian history in eighteenth century with the transformation of Bengal, and Hyderabad, which we will discuss today. The high Mughal nobility and marks had been governance of governor of such a large province, Sadat Khan, ruler of Awadh. मुर्शिद कुली खान रूलर ऑफ बंगाल असफ झा रूलर ऑफ हैदराबाद ऑल थ्री हैव ऑक्यूपाइड मरसमदारी पोज इन तीनों की वजह से एक ऐसा अस्तित्व मिला मुगल एम्पायर और लेटर मुगल्स के बाद जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिपेक्ष को बदल दिया हैव लुक ऑन द मैप बदलता परिपेक्ष बदलती परिस्थितियां और उभरते नए राज्य मुगल एम्पर फरूख के मोस्ट पावरफुल मेंबर के तौर पर निज़ाम झा की एक पहचान ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद स्टेट ही वॉज द फर्स्ट वन टू बी ट्रस्टेड विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर शिफ्टेड टू डेकन डेकन प्रोविंसेस में गवर्नर के तौर पर असफ झाकिंग की एक पहचान होना इस एम्पायर की पहचान पॉलिटिकल और फिनांशियल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर की जाती है ही ही वॉज रिगार्डेड फॉर ब्रिंगिंग दोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू सउदर्न इंडिया द फर्स्ट टाइम शिफ्ट ऑफ द्यूमन कैपिटल टू प्लेस ही हैव बीन कंटिन्यूसली इन्वॉल्व विद मराठास एंड तेलगूज ही हैव बीन फ्लरिशिंग द किंगडम विदनेस बींग ऑन दस्टल एरिया सो हैव अ लुक ऑन द मैप विच आई हैव शेयर्ड भारत के बदलते परिप्रेक्ष्य की एक प्रस्तावना को रखते हैं सदत खान द फाउंडर ऑफ अवध स्टेट हुईड एज सूबेदार ऑफ द अवध इन सेवनटीन ट्वेंटी टू अवध एक प्रोमिनेंट वो प्रोस्पेरियस रीजन है जो गंगा यमुना दो बेल्ट के नाम से या गंगा ब्रह्मपुत्र बेल्ट के नाम से आज इंडिया में फेमस है इट मार्क्स मेन ट्रेड रूट एंड एग्रीकल्चर सदत खान वॉज वेरी मच प्रोमिनेंटली नोन फॉर सूबेदारी दीवानी एंड मिलिट्री फौज दारी ही ऑल थ्री अफेयर एंड ही मैनेज इट दिस सिस्टम मार्क्स द बिगनिंग ऑफ बैंकर्स एंड महाराज और महाजन्स फॉर टैक्सेस विच सेज टू बी दी फ्रीडम इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस यहाँ से रिवेन्यू ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्ट होती है ही हैव गिवन दी कंट्रोल टू द मर्चेंट बैंकर्स एंड दिस स्टैब्लिश्ड अ लीडरशिप इन दी फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक चेंज बैंकिंग सिस्टम को लाने वाली पर्सनालिटी की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है Changing economic and social society, cultural activities, everything associated. So have a look on the map as well. Previously, Marathas, one name which come from the region of today's Maharashtra, and they have been the prominent opposition of Mughal rule. Chhatrapati Shivaji Rao. एक ऐसा नाम एक ऐसा शख्सियत के अस्तित्व जिसने देशमुख फैमिली की वॉरियर सपोर्ट पावर पर आपकी मराठा आर्मी को खड़ा किया जिसमें पीज एंड पैस्टल कुनबीस हैव बीन फाउंड ही हैव चैलेंजेस द मुगल एम्पायर इन पेनेसुला पुना बिकम हिज कैंडम्स कैपिटल एंडलेस मिलिट्री कैंपेन डेवलप्ड इफेक्टिव सिस्टम उभरते भारत की विविधताएं और व्यापार का मूल्यांकन करता है एक शहर पुणे एंड उसके सराउंडिंग मराठास के कंट्रोल में थी दीज वर न्यू ट्रेड रूट्स एंड दीज सिटीज वर हब ऑफ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज डाइवर्सिटी एंड बिजनेस इज कनेक्टेड एंड हेयर बाय आई एम शेयरिंग द मैप लुक दिस इज मार्किंग द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ योर महाराष्ट्र सो इट्स ऑल टाइम टू से अ गुड बाय We are concluding that eighteenth century have marked with the word social and economic change. So hereby we have discussed three kingdoms which have been emerged Awadh, Hyderabad in Bengal, and emergence of Shatrapati Shivaji who have laid a strong foothold of Maratha Empire. So I am saying thank you for visiting.